चोपड़ा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मैं हर्षाई चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, नीट 22 की आंसर की रिलीज हो चुकी है, इसको कैसे चेक करना है और कौन कौन से क्वेश्चन बोनस मिले हैं इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। कैसे आपने इसको ओमार को चैलेंज करना है, कैसे आंसर की को चैलेंज करना है इसके बारे में भी बात करेंगे और कैसे चेक करना है इसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसको चेक कैसे करना है। तो जैसे ही आप NTA की वेबसाइट पर, नीट की वेबसाइट पर विजिट करेंगे, neet.nta.nic.in, तो आपको यहाँ पर आंसर की स्कैंड इमेज ऑफ ओमार आंसर सीट एंड रिकॉर्ड रिस्पॉन्स चैलेंज का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे आप। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, आप एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड से भी लॉगिन कर सकते हैं और एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ से भी लॉगिन कर सकते हैं। तो इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, आप अपना एप्लीकेशन नंबर ड्रॉप करके, पासवर्ड यहाँ ड्रॉप करके, फिर इसमें सिक्योरिटी पिन ड्रॉप करके साइन इन करेंगे यहाँ पर। तो जैसे ही साइन इन करेंगे, आपके पास में तीन प्रकार के यहाँ ऑप्शन मिलेंगे, डाउनलोड कन्फर्मेशन पेज जिसकी हमें जरूरत नहीं है, इसके नीचे दूसरा ऑप्शन मिलेगा क्लिक टू व्यू ऑब्लिक चैलेंज आंसर की। अगर हमें आंसर की व्यू करनी है और चैलेंज करनी है तो इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इसके बाद में व्यू एंड चैलेंज ओमार इसके ऊपर क्लिक करेंगे, अगर हमें ओमार चैलेंज करनी है और व्यू करनी है। तो अब इसमें हमें आंसर की चेक करना है तो क्लिक व्यू ओब्लिक चैलेंज आंसर की पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से हमारी आंसर की यहाँ डिस्प्ले हो जाएगी। तो जो आपका क्वेश्चन का कोड था वही आपकी आंसर की यहाँ डिस्प्ले होगी। तो इसमें चैलेंज करने के लिए जिस क्वेश्चन को आपने चैलेंज करना है उस पर आपने टिक करना है। अब हम यहाँ पर बात करें कि बोनस कौन कौन से क्वेश्चन को मिला है। तो मैं आपको बता दूं कि फिजिक्स का हम एक क्वेश्चन जो बोनस सोच रहे थे, इसमें थ्रीसोल्ड फ्रीक्वेंसी का हम सोच रहे थे बोनस, इसमें फिजिक्स में वो बोनस नहीं मिला है यहाँ पर। इसके बाद में केमिस्ट्री का एक ईएमएफ का क्वेश्चन था, उसको बोनस मिला है, लेकिन वो बोनस उसी कैंडिडेट को मिलेगा जिसने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, क्योंकि केमिस्ट्री का जो ये क्वेश्चन था सेक्शन बी में था, तो जिस स्टूडेंट ने इसको अटेम्प्ट किया है उसी स्टूडेंट को मिलेगा। इसके बाद में जो बायोलॉजी का एक क्वेश्चन था, बायोलॉजी का जो स्टेटमेंट का था, वैस्कुलर बंडल का जो क्वेश्चन था स्टेटमेंट वाला, उसको बोनस मान रहे थे, वो भी बोनस यहाँ पर नहीं मिला है। इसके बाद एक बायोलॉजी का एटीपी का क्वेश्चन था जिसके दो आंसर हम मान रहे थे, तो उसको भी दो आंसर नहीं दिया गया है, उसका ओनली एक ही आंसर दिया गया है। तो बोनस की हम बात करें तो सिर्फ एक क्वेश्चन केमिस्ट्री का बोनस हुआ है, लेकिन ये काफ़ी कम स्टूडेंट को फायदा होगा, क्योंकि ये किसी किसी स्टूडेंट ने ही गलती से अटेंड कर दिया होगा, सेक्शन बी का क्वेश्चन था इसलिए काफी सारे स्टूडेंट ने इसको अटेंड नहीं किया होगा। तो ये बोनस किसी भी क्वेश्चन का नहीं मिला है, हम ये मान के चल रहे हैं एक ही केमिस्ट्री के क्वेश्चन का बोनस मिला है इसमें। तो इसके बाद आप इन क्वेश्चंस को चैलेंज कर सकते हैं, जैसे फिजिक्स का क्वेश्चन है, बायोलॉजी का क्वेश्चन है, इनको आप चैलेंज कर सकते हैं। चैलेंज के लिए जो आपके सामने यहाँ पर रिस्पॉन्स दिखाई दे रहे हैं 1 2 3 4, इसमें जो भी ऑप्शन आपको सही लग रहा है उस पर आप टिक कर दें। NTA ने जो माना है आंसर की में, वो लेफ्ट साइड में, राइट साइड में जो बॉक्स बने हुए हैं उस पर आप टिक कर दें। और इसमें आपको कोई सपोर्ट में डॉक्यूमेंट्स देना है या स्टेटमेंट देना है तो यहाँ पर चूज फाइल में फाइल करके सबमिट व्यू क्लेम्स, सबमिट योर क्लेम पर क्लिक कर दें। तो इस प्रकार से आप आंसर की को चैलेंज कर सकते हैं। ओमार को कैसे चैलेंज करेंगे इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, ओमार और आंसर की का डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा कि आप कैसे चैलेंज करेंगे। तो ये जानकारी थी इसके चैलेंज के बारे में। मिलेंगे नई अपडेट के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।